अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 मीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यही गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयागराज से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1,000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन का फल है और कैलाश पर जो जाता है वहाँ मोक्ष का प्राप्ति होता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्रकृति शिवलिंग का निर्माण होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे श्रावण महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदे जगह जगह टपकती रहती है। यही पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली ही बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग का निर्माण होता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना रहता है जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेने के साथ साथ भुरभुरा हो जाता है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बने हुए हैं। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव से बोले, नाथ मुझे अमृत का कथा आप सुनाएं। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को एकांत इस गुफा में लेकर आए और माँ पार्वती को अमृत की कथा सुनाने लगे। लेकिन बीच कथा में ही माँ पार्वती को नींद आ जाता है और भगवान शंकर जी कथा सुनाते सुनाते हुए पूछते हैं, तो उसी गुफा में कबूतर के दो चूजा ने हाँ हाँ करते हुए पूरे अमृत की कथा सुनकर दोनों कबूतर के बच्चे अमर हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गया था। जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों में विभक्त किया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा किया, उसी दौरान वहां से गुजरे। तब जल का स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख केंद्र बन गया और अनेक तीर्थयात्री इस गुफा का दर्शन करने यहां आने लगे। यात्रा के दौरान जितने भी कष्ट होते हैं पर पहुंचने के बाद सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कितनी प्राचीन है अमरेश्वर महादेव मंदिर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ की गुफा। यदि हम पुरातत्व विभाग की बात करें तो 5,000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा था। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है क्योंकि जब 5,000 वर्ष पहले गुफा था तो क्या उसके पहले यह गुफा नहीं था? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है, तो उसके बाद हिमयुग के दौरान ही गुफा का निर्माण हुआ होगा, अर्थात आज से 12,000 से 13,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। इसके बाद ईशापुर लिखी गई। कलहन की राज तरंगनी तरंग द्वितीय में इसका उल्लेख मिलता है। कश्मीर के राजा सामधीमत 34 ईसा पूर्व से 17वीं ईसा पूर्व शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में
बर्फ के बने शिवलिंग का पूजा करने के प्रमाण मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यह तीर्थ कितना पुराना होगा। बंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कलहन की राज तरंगनी आदि में अमरनाथ तीर्थ का वर्णन मिलता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर करे और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। प्रेम से बोले, अमरेश्वर महादेव की जय। Thank you.